अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं हाजिर हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 17.5 सेल्स एंड फंक्शंस क्लास मैट्रिक। ठीक है, तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए सेट दिया गया है, वो है 1.2, बी सेट है हमारा 2.3 और सी सेट है हमारा 1.3.5। देन फाइंड करना है ए क्रॉस ऑफ बी और दूसरा है बी क्रॉस ऑफ सी, तीसरा है ए क्रॉस ऑफ बी यूनियन सी और फोर नंबर पे है बी क्रॉस ऑफ ए यूनियन सी और फाइव नंबर पे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ये फर्स्ट वाला करते हैं ए क्रॉस ऑफ बी। ठीक है, ए क्रॉस ऑफ बी करेंगे हम। जानते हैं हमारा जो होता है ए में हमारे हैं क्या 1.2, तो हम लिखेंगे 1.2 और उसके बाद जो है हम क्या क्रॉस कह रहे हैं तो हम लिखेंगे क्रॉस की साइन देंगे, फिर हैं बी में है 2.3। ठीक है, अब दोनों की क्या हम रिलेशन की दोनों की तो कैसे होगी, ये जो है 1 करेगा 2 से। ठीक है, ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1.2 और उसके बाद जो है ये 1.3 से करेगा कॉमा 1.3। ठीक है, अब जो है 2 है तो 2 से करेगा कॉमा 2.2, फिर 2.3 से करेगा कॉमा 2.3। ठीक है, तो ये क्या हमें ए क्रॉस ऑफ बी मिल गया। ठीक है, ए क्रॉस ऑफ बी मिल गया। अब जो है अब बी क्रॉस ऑफ सी जो है वो आप खुद करना, पहले बी के मेंबर लगाना फिर सी के। तो अब हम जो है ये 3 आला करते हैं। 3 में क्या है, 3 में है ए क्रॉस ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, ए क्रॉस ऑफ बी यूनियन सी है, तो हमें क्या सबसे पहले क्या करना है, हम इसका यूनियन करेंगे किसका, बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी फर्स्ट या फर्स्ट टेकिंग बी यूनियन सी, जब बी और सी की यूनियन करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी में हमारे हैं 2.3 यूनियन। ठीक है, और सी में हमारे क्या है 1.3.5 बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या है 1.2.3, दोनों में सेम है तो 1 टर्म लिखेंगे 3.5, तो ये क्या बी यूनियन सी मिल गया। अब जो है हमें क्या ए की क्रॉस करनी है बी यूनियन सी के साथ, तो हम लिखेंगे नाउ ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए में हमारे क्या है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए में हमारे हैं 1.2 है। ठीक है, क्रॉस करना है बी यूनियन सी हमें मिला जो वो है 1.2.3.5। ठीक है, अब जो है हम क्या दोनों की ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 जो है 1 से करेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 1.2 है और क्रॉस किसके साथ करना है
1, 2, 3, 5 के साथ। तो ये 1 एस के साथ करेगा तो हम क्या लिखेंगे, 1, 1 ठीक है, कॉमा फिर लिखेंगे 1, 2 ठीक है, कॉमा फिर लिखेंगे 1, 3 कॉमा फिर लिखेंगे 1, 5 कॉमा फिर 2 सबके साथ करना है, 2, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 2, 3 ठीक है, कॉमा फिर 2, 5। इसी तरह हमें ये भी मिल चुके हैं ठीक है। ये हमें क्या मिला, ए क्रॉस ऑफ बी यूनियन सी ठीक है। और इसके बाद जो है ये आप खुद करना, क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है, बस बी के पहले लिखने ठीक है, और उसके बाद ए यूनियन सी, ए की और सी की यूनियन करनी है, फिर बी से क्रॉस करवाना है ठीक है। अब जो है हम ये करते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी हम करेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए और बी की इंटरसेक्शन करेंगे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ए में हमारे मेंबर हैं 1, 2 ठीक है, इंटरसेक्शन बी में हमारे हैं 2, 3 ठीक है। इसके बाद हम क्या, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू करेंगे, दोनों में कॉमन है 2 है तो हम 2 लिखेंगे ठीक है। इसी तरह हम अब जो है टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू बी में हमारे हैं 2, 3 सी में हमारे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सी में हैं हमारे 1, 3, 5 बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू दोनों में कॉमन 3 है तो हम लिखेंगे 3 ठीक है। अब क्या कह रहा था, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो हम दोनों की क्रॉस करवाएंगे तो हमारा यहाँ पे जो था 2 था और इसमें 3 था, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस ऑफ 3 तो हमारा ये क्या बनेगा 2 ठीक है कॉमा 3, तो ये हमारा आंसर होगा किसका, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ठीक है क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी का ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर ठीक है, कौन सा 2, 3। आई होप आपको क्वेश्चन 3 समझ आया होगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।